श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता श्रेष्ठ वक्ता संवेदनशील कवि श्रेष्ठ सांसद और सफल प्रधानमंत्री रहे उनका राजनीतिक जीवन सभी के लिए प्रशंसनीय व अनुकरणीय है उनका जीवन त्याग और तपस्या और राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत है उनके जीवन का एक एक क्षण भारत माता को समर्पित है श्री जी का शिष्ट सौम्य अजात शत्रु स्वरूप बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है उनके चिंतन की गहनता वैचारिक विविधता प्रशासक की दृढ़ता सहज आकर्षण रही है श्रद्धे अटल जी की यादें आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित रहे व युवा पीढ़ी उनके जीवन संदेश से प्रेरणा ले आज माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आप जनों की उपस्थिति में एक सौ रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जा रहा है मैं इस अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी का अभिनंदन करता हूँ आदरणीय श्रद्धे अडवाणी जी का अभिनंदन करता हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूँ और हमारे वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी का अभिनंदन कर आप उपस्थित सभी गणमान्य जनों का अभिनंदन करता हूँ पत्रकार छायाकार बंधु, मंत्रीगण सांसदगण सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस यादगार सिक्के को लोकार्पित करें उनके साथ सभी मंच पर उपस्थित गणमान्य सदस्य रहेंगे शेष तौर पर उपस्थिति श्रद्धे अटल जी के परिवारजनों की दीदी की रंजन जी की मानी शिव कुमार जी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ और यह यादगार मानी अटल जी की आने वाली पीढ़ियों तक अटल जी के जीवन सदस्य के अनन्य अनुयायी रहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं प्रार्थना करता हूँ के हम सबका मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा स्पीकर आदरणीय सुमित्रा महाजन जी श्रद्धे लाल कृष्ण अडवाणी जी श्रीमान अरुण जेटली जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संसद में मेरे साथी श्रीमान अमित भाई शाह श्री महेश शर्मा जी उपस्थित सभी स्वजन अटल जी हमारे बीच नहीं है ये बात हम हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता है शायद ही ऐसी कोई घटना हुई हो कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक मंच पर आठ नौ साल तक कहीं नजर न आना बीमारी की वजह से सारी गतिविधि सार्वजनिक जीवन की समाप्त हो गई लेकिन उसके बाद इतने वर्षों के बाद इतने बड़े गैप के बाद एक प्रकार से सार्वजनिक जीवन में एक पीढ़ी बदल जाती है लेकिन उनकी विदाई को जिस प्रकार से देश ने आदर दिया सम्मान दिया देशवासियों ने उनकी विदाई को महसूस किया यही उनके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या का प्रकाश पूंज के रूप में हम अनुभव कर सकते हैं विश्व के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होंगे वे कभी न कभी इस बात का जरूर विस्तार से विवेचन करेंगे कि सिद्धांतों के बल पर खड़ा हुआ एक राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं की सामान्य संगठन के छोटे छोटे लोगों के भरोसे एक तरफ संघर्ष करते रहना दूसरी तरफ संगठन करते रहना तीसरी तरफ जन सामान्य को अपने विचारों से आकर्षित करना प्रभावित करना जन जन को आंदोलित करना ये सारी बातें करते 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 ब्रीक बाय ब्रिक इतना बड़ा संगठन का निर्माण हो और शायद दुनिया में इतना बड़ा देश इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक तरफ सौ सवा सौ साल से एस्टैब्लिश राजनीतिक मंच और दूसरी तरफ नया सा एक राजनीतिक दल और इतने कम समय में देश में इतना प्रभुत्व पैदा करे इतना उसका विस्तार हो संगठन की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा दल बन जाए इसके मूल में जनसंघ के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में उसके प्रारंभिक वर्षों में अटल जी जैसे एक पूरी टीम का उसको नेतृत्व तो मिला कंधे से कंधा मिलाकर के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के साथ दूर सुदूर इलाकों में जाकर के काम किया गया जनता से सीधा संवाद करने का प्रयास किया और एक प्रकार से अटल जी की वाणी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टियों की आवाज नहीं बनी थी इस देश का एक तीन चार दशक का समय ऐसा हुआ कि अटल जी की वाणी भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की वाणी बन चुकी थी अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश बोल रहा है अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश सुन रहा है अटल जी बोल रहे हैं मतलब अपनी भावनाओं को नहीं देश के स, जन जन की भावनाओं को समेट कर उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं और उसने सिर्फ लोगों को आकर्षित किया प्रभावित किया इतना नहीं लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ अरे विश्वास शब्द समूह से नहीं था उसके पीछे एक पांच छह दशक की लंबी जीवन की साधना थी आज राजनीतिक दल मानचित्र ऐसा है दो पांच साल के लिए भी अगर किसी को सत्ता के बाहर रहने का पड़े रहना पड़े तो वो इतना बेचैन हो जाता है उतना परेशान हो जाता है वैसे हाथ पर उठापटक करता है कि क्या कर लू मैं चाहे वो तहसील क्षेत्र का नेता हो डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र का नेता हो राज्य स्तर का नेता हो नेशनल लीडर हो कोई कल्पना कर सकता है कि इतने सालों तक एक तपस्वी की तरह एक साधक की तरह विपक्ष में बैठ करके हर पल जन सामान्य की आवाज बनाते रहना और जिंदगी उसी को जीते रहना यह असामान्य घटना है वरना अटल जी के जीवन में ऐसे पल नहीं आए होंगे कि जब राजनीतिक अस्थिरता के समय किसी ने कहा हो कि हमारे साथ आ जाओ आपके सिवा कौन है आइए हम आपको लीडर बना देते हैं आइए हम आपको ये दे देते हैं बहुत कुछ हुआ होगा मैं अनुमान करता हूं मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन जैसा मैं राजनीतिक चित्र देखता हूं सब कुछ हुआ होगा लेकिन भीतर का वो मेटल था उसने विचारों के साथ अपना जीवन का नाता जोड़ा था और उसी के कारण उन्होंने ऐसे किसी लोभ लालच प्रबोधन प्रलोभन प्र, की अवस्था को शरण नहीं किया और जब देश हित की जरूरत थी लोकतंत्र बड़ा कि मेरा संगठन बड़ा लोकतंत्र बड़ा कि मेरा दल बड़ा लोकतंत्र बड़ा कि मेरा नेतृत्व बड़ा, इसका जब कसौटी का समय आया तो यह दीर्घ दृष्टा नेतृत्व का सामर्थ्य था कि तो उसने लोकतंत्र को प्राथमिकता दी दल को आहूत कर दिया जिस जनसंघ को अपने खून पसीने से सींचा था ऐसे जनसंघ को जनता पार्टी में किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना विलीन कर दिया एकमात्र उद्देश्य लोकतंत्र अमर रहे हम रहे या न रहे यह करके दिखाया और जनता पार्टी में सिद्धांतों के नाम पर जब कोसा जाने लगा ऐसा लग रहा था लोकतंत्र के लिए देश के लिए उपयोगिता को खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है तब उन्होंने हाथ जोड़ करके नमस्ते करके के कह कहा कह दिया आपका रास्ता आपको मुबारक हम मूल्यों से समाधान नहीं कर सकते हम देश के लिए मर सकते हैं लेकिन अपने लिए मूल्यों का समाधान करने वाले हम लोग नहीं हैं और निकल पड़े फिर से एक बार कमल का बीज बोया और आज हर हिंदुस्तान के कोने में कमल हम अनुभव कर रहे हैं और दीर्घ दशा जीवन कैसा था अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा कमल खिलेगा अभी तो एक दल जन्म ले रहा है अभी तो जन्म को कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं लेकिन कितना बड़ा आत्मविश्वास होगा भारत के जन जन पर कितना बड़ा भरोसा होगा अपनी विचारों पर अपनी साधना पर अपनी तपस्या पर अपने कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पर कितनी बड़ी श्रद्धा होगी कि उस व्यक्ति के मुंह से निकलता है अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा कमल खिलेगा और वो उनकी भविष्यवाणी कहे या भीतर से निकला हुआ संदेश कहिए आज हम अनुभव कर रहे हैं राष्ट्र जीवन के अंदर विविधता ये मैं समझता हूं हमारी गौरव गरिमा को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा संबल है लेकिन उसको बरकरार रखना हमारा दायित्व भी है राजनीतिक विचारों राजनीतिक नेतृत्व की विधि विविधता यह भी भारत के लिए एक भारत की ताकत में कुछ न कुछ वैल्यूएडिशन करती है एक ही प्रकार के नेता एक ही प्रकार की सोच एक ही प्रकार की बोलचाल यह भारत की विविधता के लिए ठीक नहीं बैठती है और इसलिए हम सबने मिलकर के सभी विचारधाराओं से पले बढ़े जिस जिसने देश के लिए दिया है जहां जहां से नेतृत्व किया होगा कट्टरवाद विवाद किया होगा आमने सामने खड़े हो रहे होंगे एक दूसरे को परास्त करने के लिए जी जान से खपा दिया होगा जीवन फिर भी देश के लिए जिए हैं ये सब भारत की विविधता को ये नेतृत्व की ताकत भी एडिशन करती है अटल जी उसमें से एक है वैविध्यता को बढ़ाने वाला एक एक वैविध्यतापूर्ण व्यक्तित्व है उसको भी भारत के राष्ट्र जीवन में भारत के सामाजिक जीवन में भारत के राजनीतिक जीवन में वही स्थान उपलब्ध होना चाहिए और ऐसे अनेकों को उपलब्ध होना चाहिए और वही देश को समृद्ध करता है आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता है पीढ़ियों को इस रास्ते से चलू या उस रास्ते से चलू इसका लेखा जोखा करने का अवसर मिलता है और मुझे विश्वास है कि अटल जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को सार्वजनिक जीवन के लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए राष्ट्र जीवन के लिए समर्पण भाव के लिए वन लाइफ वन मिशन कैसे काम किया जा सकता है इसके लिए हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा कल अटल जी की उनकी विदाई के बाद की पहली जन्म जयंती है और उसके एक दिन पूर्व आज भारत सरकार की तरफ से एक स्मृति सिक्का सौ रुपये का आप सबके बीच देशवासियों के बीच एक स्मृति के रूप में आज देने का अवसर मिला है मैं नहीं मानता हूं कि ये सौ रुपये का सिक्का ही सिक्का है क्योंकि अटल जी का सिक्का हम लोगों के दिलों पर पचास साल से ज्यादा समय चला है और जिसका सिक्का आगे भी चलने वाला है और इसलिए जिसका जीवन भी एक सिक्का बनकर के हमारी जिंदगी को चलाता रहा है हम लोगों को प्रेरणा देता रहा है उसको आज हम मेटल के अंदर भी चिरंजीव बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ये भी अटल जी के प्रति आदर व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास है और इसके लिए हम सभी एक संतोष की अनुभूति करते हैं कल अटल जी की जन्म जयंती है 25 दिसंबर सदैव अटल एक स्मृति स्थल वहीं पर कल जाकर के राजघाट के पास में ही हम सबको अटल जी के बिना एक एक पल काटना है उस समय ये स्मृति स्थल हमें भी सदैव अटल बनाए रखेगा और व्यक्ति के जीवन में अटल बने रहना जितना ताकतवर होता है उतना ही राष्ट्र जीवन और समाज जीवन में भी सदैव अटल होना यही हमारा संकल्प होना है इस संकल्प को हम फिर एक बार कल जाकर के वहाँ दोहराएंगे अपने आप को समर्पित करेंगे और उसी अटल भावना को लेकर के उसी अटल विश्वास को लेकर के वही अटल सपने लेकर के वही अटल चिरे चरे वेती चरे वेती का मंत्र लेते हुए जन सामान्य के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प लेकर के चल पड़ेंगे इसी भावना के साथ आज सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय निकाल करके आए हम सब अटल जी को जिन्होंने हम, हम सब ने अपने दिल में बिठाया हुआ है लेकिन जो उन्होंने हमसे चाहा है उसे पूरा करने में हम कोई कमी न रखे इसी एक भाव के साथ मैं आदरपूर्वक अटल जी को नमन करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रधानमंत्री जी अटल जी का सामाजिक समरसता राष्ट्र विकास और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सपना और उसका एक प्रतिबिंब देश के करोड़ों देशवासी आप में देखते हैं हम सब 130 करोड़ भारतवासी आपके नेतृत्व में अटल जी के सपनों में रंग भरने का काम करने का संकल्प लेते हैं आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी मंचस्थ सभी महानुभावों का धन्यवाद कृपया प्रथम तल पर चाय के लिए सभी आमंत्रित हैं